पिछली वीडियो में बात की थी कि, uh, किस तरह से वुमेन या गर्ल्स या बॉयज को किस तरह से सोसाइटी पहले से ही ट्रीट करती है जैसे हमने एग्जाम्पल समो समयलैंड की मध्य प्रदेश के एक टाउन की uh, और इसके अलावा अगर हम देखें सोसाइटी और फैमिली हमारी जो बचपन है बॉयज़ और गर्ल्स के वो बचपन से ही हमारे जहन में बढ़ते है कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा हो, होगा जैसे बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं बॉयज को कार्स या गन दिए जाते हैं लेकिन गर्ल्स को डॉल्स इसके अलावा अगर हम बात करें ये भी कहने का तरीका होता है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो कुछ डिफरेंट होगा इसके अलावा बॉयज के लिए ड्रेसेस अलग किस्म के होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग किस्म के और इसके साथ साथ गर्ल्स को सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से बात करनी है आपका नेचर सॉफ्ट होना चाहिए आपको घर के काम सीखने चाहिए और को कहा जाता है कि आपको टफ रहना है आ, तो ये सारी चीजें बच्चों को आ, सिखाने के लिए कि आपका फ्यूचर जो डिफरेंट हो, होगा और आपका रोल सोसाइटी में क्या होगा आ, इसके अलावा वैल्यूइंग हाउस वर्क तो अगर हम बात करें बहुत सारी वुमेन जो हाउस का वर्क का काम करती है जिनको हम बोलते हैं कि ये हाउस वाइफ है अः तो अक्सर जब उनके बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि वो कुछ काम नहीं करती आ, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो सुबह से रात तक मतलब काम में ही लगी हुई रहती है आ, तो एवरेज निकाला गया है कि एक औरत जो होती है वो मर्दों से ज्यादा काम करती है ज्यादा काम करती है आ, तो बहुत सारे काम घर के ऐसे होते हैं जैसे क्लीनिंग होती है स्वीपिंग होती है कुकिंग होती है वॉशिंग होती है इनमें भी आ, बहुत सारा मतलब हम कह सकते हैं उसमें एनर्जी लगती है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम भी होते हैं जिसके लिए आ, उनको बोझ वजन वगैरह भी उठाना पड़ता है और जो वुमेन है वो ऑल्सो बच्चों को भी संभालती है अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी संभालती है और गांव वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी वुमेन जो है वो हेवी हेड लोड्स उठाती है फील्ड में जब वो काम करती है आ, तो अगर हम देखें इस वक्त सोसाइटी में आ, जो हाउस हाउस वाइफ्स है वो इस तरह का काम करती है ख़ास तौर पे गाँव में आ, तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है और दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं करती तो आप खुद ही सोचिए कि हम उनके साथ किस कैसी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इसके अलावा इसके अलावा लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स डोमेस्टिक वर्कर्स वर्कर। वो होते हैं जो दूसरे के घरों में जाकर काम करते हैं कुछ मिडिल क्लास या अमीर लोग अपने यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स को वर्क पे रखते हैं और वो यूजुअली मूमेन ही होती है तो एक तो वो अपने घर में भी काम करती है और उसके बाद वो दूसरे के घर में भी काम करती है हाँ हमें पता है कि उनको वेजेस उसके लिए मिलते हैं उनके लिए उनके लिए उसके लिए उसको सैलरी मिलती है लेकिन अगर हम देखें उनको डबल बर्डन उनके ऊपर पड़ता है जैसे मैंने पहले कहा उनको घर का भी काम करना पड़ता है अपने घर का भी और दूसरों के घर का भी अब उस दौरान अगर हम देखें इनको काफ़ी ज़्यादा आ, जो हम कह सकते हैं इनका काम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है आ, तो अक्सर हम कहते हैं कि वुमेन जो, हो, है, जो होती है वो फिज़िकली कमज़ोर होती है लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वुमेन जो है वो काफ़ी पावरफुल है क्योंकि दो जगहों पर काम करना ये काफ़ी मुश्किल बात है तो इसके अलावा अगर हम देखें आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल भी दी गई है कि किस तरह से डेली में कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स एक घर में काम करती है और वहाँ पे जो मालकिन होती है वो उन पर नज़र रखती है कि कुछ कहीं ये कुछ ज़्यादा ना खा ले उनको डर सताता है कि हम ज़्यादा भी नहीं खा सकते दो रोटी अगर हमने खा ली तो उसके अलावा तीखती हम नहीं ले सकते इसके अलावा वहाँ पे जो मालकिन है वहाँ उन पर चीखती चल आती है उनको वो वहाँ पे बैठने भी नहीं देती है तो दिन भर वो वहाँ पे काम करती है सफाई करती है तो वो लोग भी थकते हैं क्योंकि वो मतलब अगर हम देखें वो भी इंसान ही है और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि वोमेन्स कमज़ोर होती है लेकिन वोमेन्स तो बहुत ज़्यादा काम करती है इस वक्त कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर वोमेन्स काम नहीं करती है इसके अलावा वुमेन्स वर्क एंड एकवैलिटी तो अगर हम वुमेनों का काम देखें और इक्वलिटी की बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि आ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी मैन एंड वुमेन के बीच में जैसे पोलिटिकली हम कहते हैं कि हर एक इंसान के पास एक वोट है अडल्ट इंसान के पास एक वोट है हर वोट का वैल्यू इक्वल है तो वहाँ पर तो हम इक्वलिटी दे रहे हैं वुमेन्स को कि जो वुमेन का वोट है और मर्दों का वोट है उन दोनों में आ, कोई फर्क नहीं है वो इक्वल है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें काफी ज्यादा जगहों पे हम इक्वल्टी या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वुमेन्स के साथ आ, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी किया है पास रिनोवेशन एक्ट जिसके तहत अगर कोई भी मैन एंड वुमेन गवर्नमेंट जॉब करती है तो उनको इक्वल सैलरी मिलेगी लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पे वुमेन्स को मतलब इक्वल सैलरी वगैरह नहीं दी जाती जैसे कि प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह में अगर मर्द और वुमेन काम करती है प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो वहां पे हम देखते हैं कि मर्दों को ज़्यादा तनख्वाह होती है सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन अगर हम स्पोर्ट्स में देखें अगर हम फिल्मों में देखें तो वहां पे भी मर्दों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशटिवस लिए हैं उनने आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह खोले हैं चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले है जहाँ की कंडीशन को कम से कम थोड़ा सा ठीक किया जाए जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी मैडम वहाँ पे दोनों ही वो औरतें काम करती हैं ताकि उनको थोड़ी सी सैलरी वगैरह भी मिले अपने घर को वो संभाल सके और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्रेचेस वगैरह भी स्टार्ट किए हैं जहाँ पे बच्चों को संभाला जाता है ताकि जो उनकी माएँ हैं वो भी किसी जगह पे काम पे जा सकती है आ, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अब स्कीमें वगैरह निकाली है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आ, इस तरह की स्कीम में अब जो बच्चे पैदा होते हैं या मतलब हम खासतौर पे लड़कियों की बात करेंगे तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी जमा होते हैं ताकि उनको फ्यूचर में उन पैसों की अगर जरूरत पड़े तो वो कर सकती है तो गवर्नमेंट के इतने इनिशेटिव के बाद भी एज ए सोसाइटी हमें सोचना चाहिए कि वोमेन्स के काम को भी सराहा जाए जैसे मैंने पहले कहा तो हर फील्ड में वोमेंस इस वक्त आगे है डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो स्पोर्ट्स हो मूवीज़ हो आ, हर जगह पे वुमेन इस बार तो के शाना बशाना काम करती है तो हमें भी चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें और इनको इक्वा राइट दे इसी तरह से हमारे घरों में जो हमारी माए होती है बहनें होती है जो काम करती है उनके काम को भी सराहना सराहा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम उनके बदले हाउस मेट्स वगैरह को वो काम देंगी तो उसके लिए हमें बहुत मोटी रकम देनी पड़ेगी सैलरी देनी पड़ेगी तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है अगली वीडियो तक सेफ फमान्ला